कलयुग की चाची ने अपने देवर के बेटे आनंद कुमार 9 वर्ष पर खोलता हुआ तेल फेंक कर रिश्तों को कलंकित कर दिया है। पीड़ित बालक का इलाज मंझोलिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ, जहां गंभीर स्थिति में परिजनों ने हरसिद्धि में इलाज कराया। पीड़ित बालक का शरीर पूरी तरह जल गया है। इस बाबत बालक की मां गीता देवी, पति सनोज शाह ने थाने में एक आवेदन देकर कहा है कि पारिवारिक विवाद को लेकर उनके जेठ मनोज शाह की पत्नी सविता देवी ने मेरे 9 वर्षीय पुत्र आनंद कुमार पर जान से मारने की नीयत से खौलता हुआ तेल शरीर पर फेंक दिया, जिससे उसका पूरा शरीर तथा हाथ जल गया। देश में बढ़ती महंगाई को एक बार फिर विपक्षी पार्टियों ने दायन का रूप दे दिया है। तस्वीर वही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अभी एनडीए सत्ता में है और महागठबंधन विरोध में। और अब एक बार फिर आज दूसरे दिन भी राजद ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। इसी को लेकर आज पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी के सड़कों पर सैकड़ों की भीड़ के साथ राजद कार्यकर्ता और नेता बैलगाड़ी से निकले। सभी खाद्य तेल, पेट्रोल सहित रसोई गैस के दामों को लेकर राजद नेता मनीष श्रीवास्तव ने अनोखे ढंग से इसका विरोध जताया। बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदन नदी पुल के पास कामदेव यादव ढाबे के समीप एक पिकअप वाहन का संतुलन बिगड़ गया और बिजली के पोल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन में बैठे सभी सवारी इर्द गिर्द फेंका कर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही चांदन थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार व निरीक्षक जितेंद्र कुमार तिवारी दलबल के साथ पहुंचकर सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन पहुंचाया गया, जहां इलाज कर रहे प्रभारी चिकित्सक एके सिन्हा ने बताया कि सभी घायलों को इलाज करके खतरे से बाहर निकाल दिया गया है। लखीसराय जिले के बढ़िया रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल में बंद हुए ट्रेनों का ठहराव को लेकर स्थानीय लोगों ने काला सप्ताह के रूप में बढ़िया बाजार में काला झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद रोड शो के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर बढ़िया की जनता और जनप्रतिनिधियों और वहीं के समाज सेवी सह मानव अधिकार प्रोटेक्शन के जिला अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना के समय जिन जिन स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव बंद हुआ, वहां पुनः करीब करीब सभी ट्रेनों का ठहराव हो चुका है, लेकिन बढ़िया रेलवे स्टेशन के साथ सरकार की सौतेला व्यवहार और गलत नीति के कारण सभी ट्रेनों का ठहराव बाधित किया गया है। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में आज लखीसराय में महागठबंधन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव बैलगाड़ी पर सवार होकर विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर निकले। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मौके पर आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव ने कहा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों महंगाई को रोकने में विफल है। आज पूरे देश में सामानों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, महंगाई चरम पर है और सरकार महंगाई को रोक पाने में विफल है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद वार्ड संख्या 20 में देर रात शरारती तत्वों ने एक वृद्ध के फूस के घर में आग लगा दी। आग देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई, जिससे घर में रखे कपड़ा, चौकी, बर्तन व खाने पीने की सामग्री जलकर खाक हो गई। घटना के बाबत पीड़िता प्रमिला देवी ने बताया कि हम घर में सोए हुए थे, किसी ने बाहर से आग लगा दी। किसी तरह मैंने जान बचाकर घर से बाहर निकलकर शोर मचाने पर कुछ लोग आए, लेकिन घर में रखा सारा सामान जल गया। भागलपुर सुल्तानगंज में 22 जुलाई को उपमुख्यमंत्री आगमन को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, नगर सभापति प्रतिनिधि रामधनी यादव, सनी कुमार ने नए सरकार भवन का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने सभी नगर परिषद के कर्मियों को व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कहते हुए जल्द से जल्द कार्यों को पूर्ण करने की बात कही, जिससे उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद नए सरकार भवन का उद्घाटन 22 जुलाई को होना है, इसके लिए सभी व्यवस्था दुरुस्त हो सके। भागलपुर के जीरो माइल थाना परिसर में शांतिपूर्ण बकरीद पूर्व संपन्न कराए जाने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान थाना प्रभारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपसी भाईचारा और कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार बकरीद पर्व मनाए जाने पर जोर दिया। साथ ही थाना अध्यक्ष ने आम लोगों से भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की बात कही है। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र में कोसी से कटाव का कहर बदस्तूर जारी है। नवगछिया के डंगरा प्रखंड के जहांगीरपुर बेसी में काफी तेजी से कटाव हो रहा है। कोसी का पानी घर के मुहाने तक पहुंच चुका है। कटाव विरोधी कार्य के नाम पर पैसों की बंदरबांट हो रही है। कोसी नदी के किनारे डाले गई बालू की बोरी भी पानी में समाती जा रही है। लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीण सहम चुके हैं और रत जगा कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी आंदोलन के तहत प्रतिवाद मार्च निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद कार्यकर्ता जिले के अलग अलग क्षेत्रों से स्टेशन परिसर पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और नाथनगर से राजद विधायक अली अशरफ सिद्दगी के नेतृत्व में बैलगाड़ी पर सवार होकर और पैदल जुलूस के शक्ल में स्टेशन चौक, लोहिया पुल, पटल बाबू रोड, घंटाघर होते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समाहरणालय गेट पहुंचे। इन दिनों भागलपुर में वन्य जीवों के प्रति अत्याचार का मामला बढ़ रहा है। उससे भी ज्यादा संबंधित विभाग की उदासीनता सामने आ रही है। मामला राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन की मौत से जुड़ा है। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा तो डॉल्फिन का शिकार भी बढ़ने लगा। जैसा कि आप भागलपुर की गंगा में उफलता मृत डॉल्फिन को देख सकते हैं, करीब से देखेंगे तो मछुआरे के जाल में उलझकर मौत का निशान है। उसी तरह बंजारा समुदाय के खाना बदहोश लोगों द्वारा गिलहरी और कई पक्षियों के शिकार का मामला भी सामने आया है।
बबरगंज थाना अंतर्गत हुसैनाबाद के मुगलपुरा मोहल्ले में दिनदहाड़े गोली चलने से गर्भवती महिला की मायागंज में इलाज के दरमियान मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह लगभग 10 बजे की बताई जा रही है। मृतका का नाम काजल है, उम्र 25 वर्ष, पति मोहम्मद छोटू। घटना के संदर्भ में मृतका के पिता मोहम्मद आरिफ जो जदयू के नगर महासचिव हैं, उन्होंने बताया कि इम्तियाज जो फिलहाल जेल में बंद है, उसकी पत्नी जीवा खातून ने अपने बेटे बादशाह और इम्तियाज के साथ आई और 6 से 7 राउंड गोली चलाई, जिसमें एक गोली मेरी बेटी काजल को लगी। सड़क हादसे में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। वहीं सोमवार को कोतवाली भागलपुर मुख्य मार्ग बिरनोद चौक के समीप जख बाबा स्थान के पास सड़क की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल है। मृतक की पहचान घुराहा निवासी प्रदीप दास के 24 वर्षीय पुत्र रघुनंदन दास के रूप में हुई है और घायल की पहचान विमल दास के रूप में हुई है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौका पाकर फरार हो गया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.